के मालवीय ने अपना सवाल YouTube के जरिए हम तक पहुंचाया है और इनका सवाल इरेडा पर है। 251 शेयर इनके पास है 191 के भाव पे। इरेडा की अगर हम बात करें तो बहुत क्वेरीज इरेडा को लेकर आती हैं और बहुत ऊपरी स्तरों पर लोगों ने खरीदारी की है, क्योंकि एक शानदार रैली हमने इरेडा में पिछले दिनों देखी और अब जो है वो इस वक्त स्टॉक जो है आज भले हमें तेजी नजर आ रही है लेकिन पिछले एक महीने में देखें तो लगभग 13% का दबाव यह स्टॉक अब तक झेल चुका है और यह खरीदारी भी उसी के आसपास की लग रही है। राहुल, इरेडा एक केस स्टडी बन चुका है, बहुत सारे लोग ऊपरी स्तरों पर फंसे हुए हैं, बताइए क्या रणनीति अपनानी चाहिए? ऑलरेडी काफी इरोड हो चुका है उनके एंट्री प्राइस से, अगर मैंने एंट्री प्राइस सही सुना तो। मेरा सलाह यहाँ पे होगा कि 140 का स्टॉप लॉस उनको रख देना चाहिए और होल्ड करना चाहिए, क्योंकि 140 के आसपास एक सपोर्ट है, 140 टू 150 एग्जैक्ट अगर मैं कहूँ तो, और उसी सपोर्ट से आज भी जो आप बाउंस देख रहे हैं जिसकी बात आप कर रहे थे उसी सपोर्ट लेवल से बाउंस हुआ है, तो 140 स्टॉप लॉस रख के होल्ड करना चाहिए। बट ऑन द अपसाइड भी मैं अराउंड 185 एग्जिट करने की सलाह दूंगा और अपना कैपिटल जो है दूसरे शेयर में शिफ्ट करने की सलाह दूंगा। ठीक है।